फिर मालूम है हमारे लोग क्या कहेंगे, ये नए नए मुफ्ती नई नई बातें, फिर इल्जाम बेचारे मुफ्तियों के सर आता है। बताएं भी मसला, समझाएं भी मसला, और बाद लोग माशाल्लाह से सुनते भी हैं, सुन भी रहे हैं, और मालूम है सुन करके जा करके बाहर बैठ के क्या कहेंगे, देखो कैसी नई नई बातें बता रहे थे, पहले जमाने में तो हमने सुनी नहीं, हमारे बाप दादा ने तो सुनी नहीं ये चीजें। वो तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सुनी तो मुफ्ती की क्या गलती है, तुम्हारे बाप दादा ने इल्म नहीं हासिल किया तो मुफ्ती को फांसी पे चढ़ाओगे, जो बेचारा बता रहा उसकी तो सुन लो कम से कम, वो कोई जेब से लेकर के आ रहे हैं मसले। आजकल ये ट्यून होती है हमारे यहाँ लोगों की, और जो नहीं सुन रहे उनकी बात अलग है। हमारे न जाने कितनी जगह पे, सहारनपुर में मैं था और कहीं पे, तो लोग बताते हैं कि लोग सुन भी रहे हैं और जाकर के ये जुमला भी कह रहे हैं कि यार ये बातें कहाँ से आ रही हैं, कमाल है। कोई आज जिब्रील अमीन तो आ नहीं रहे कि शबे कदर की रात में वही आ गई हो किसी मौलवी के पास में कि आज से ये मसला ऐसा है, कल को बता देना मस्जिद में। बेचारे वो तो किताब ही देख करके बता रहे हैं, कोई भी मसला जेब से नहीं आता। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने ऐसे लोगों को बड़ा बढ़िया जवाब दिया, जो ये कहते हैं कि हम ये हमारे बाप दादाओं ने तो बातें सुनी नहीं थी, ये आज कहां से मुफ्ती लेकर के आ गए। देखिए कुरान की आयत में आपको सुना ही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, कुरान पाक में अल्लाह ने क्या कहा है ऐसे लोगों के बारे में, बिल्कुल नक्शा की जाए। दूसरा पारा है आयत और पांचवा रुकू चल रहा है, और आयत नंबर सूरतुल बकरा की है 170। क्या है आयत सुनिए, वइदा क़ील लहुमुत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, जब लोगों से कहा जाता है कि जो शरीयत है उसे मान लो, यानी शरीयत का जब मसला बताया जाता है, क़ालू वो क्या कहते हैं जवाब में, जब मसले आते हैं सामने वो क्या कहते हैं, बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, तो हम इन नए नए मुफ्तियों की बात नहीं मानेंगे, हम अपने बाप दादा की मानेंगे। कुरान कह रहा है कि वो ये कहते हैं जब उनके सामने मसले आते हैं, बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हमारे अब्बा जो करते थे हम तो वही मानेंगे, हमारे दादा जो करते थे हम वही मानेंगे। कुरान ने क्या कहा, अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, उनके बाप दादा ना तो जानते थे ना समझते थे, उन बाप दादाओं की मानोगे। कुरान कह रहा है, आप तर्जमे वाला कुरान उठा के देख लीजिएगा कि तर्जमा क्या है इस आयत पाक का, कि भाई जो बात शरीयत की आ रही है तो उसे तो मानना है, उसके अंदर ये कहना कि बाप दादा ने नहीं सुना और पहले तो किसी मौलवी ने नहीं बताया, जो अब आ गया तो मान लो उसकी बात को, क्या हर्ज की बात है। लेकिन ये चलता है हमारे यहाँ पे, बेचारे इल्जाम मौलवियों के ऊपर धर दिया जाता है उठा करके। मैं तो कहा करता हूं ना, एतराज के लिए सबसे बढ़िया चीज मौलवी है, समझाए भी बताए भी और एतराज भी सुने, एतराज भी सुने। अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं माशाल्लाह से, खैर हमें परेशानी नहीं होती। मैं तो अपने तलबा को वहां पे समझाता हूं कि जब तुम्हारे ऊपर कोई एतराज करे तुम परेशान ना हुआ करो, मैं तो बहुत खुश होता हूं, बहुत खुशी होती जब कोई एतराज करता है। वजह क्या, हमसे तो ज्यादा नेकी हो नहीं पा रही, ज्यादा अमाल नहीं हो पा रहे। जब कोई हमारी गीबत करेगा एतराज करेगा तो उसने बेचारे ने जो नमाज रोजा पढ़ी है वो उसका सवाब भी हमें ही मिल जाएगा। हदीस में आता है जब कोई किसी की कहीं पर बैठ करके मजलिस में ये कहता है उसने ये कहा उसने ये किया ये गलत बताया वो गलत बताया, तो हुजूर ने फरमाया कि उस गीबत करने वाले का सवाब उसके नाम आमाल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह जजाए खैर दे और करो थोड़ी, मेरा फायदा है यार, नुकसान क्या है। मैंने 30 रोजे रखे हैं, कोई मेरा भाई अगर 30 रोजे रख के अपना सवाब मुझे देना चाह रहा है, मुझे क्या परेशानी है 60 रोजों के सवाब में। मैं तो शुक्र अदा करता हूं ऐसे लोगों का, अल्लाह बेहतरीन जजा अता फरमाए और लगे रहे इस मुहिम के अंदर। इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह, बड़ा प्यारा जुमला है, एक बात याद रखना हजरत की, इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन कौन सा है। इमाम अबू हनीफा का जवाब फरमाया, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन वो होगा जिस दिन कोई मेरी बुराई करने वाला मौजूद ना हो। इमाम अबू हनीफा जैसा इमाम फरमा रहे। लोगों ने कहा कि हजरत
क्या मतलब इसका? आपको बुराई अच्छी लगती है? फरमाया लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब मैं सही काम कर रहा हूं, वरना गधे से जाके कोई नहीं लड़ाई करता। रोड के ऊपर गधे खड़े रहते हैं ना, कोई उनसे लड़ता है? ओ भाई तू यहाँ क्यों खड़ा है, चल हट यहाँ से। जो काम करेगा उसी की मुखालफत होगी। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि इसका मतलब मैं सही काम कर रहा हूं, तभी तो मुखालफत हो रही। और अगर मैं कुछ काम ही ना करता, बिल्कुल निकम्मा आदमी होता, तो कोई बिला वजह थोड़ी आके सर मारेगा मुझसे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे तो अल्लाह के करम से परेशानी नहीं होती, और मैं हर एक को यही कहता हूं कि तसल्ली रखो, सब्र करो, मुझे हर्ज नहीं है, तुम भी सब्र करो, और इसका तो सवाब हमें ऑटोमेटिक इंशाल्लाह मिल ही रहा है। आपको भी मैं यही कहूंगा, आपको जब कोई आके बताए कि फूला ने ये कहा फूला ने ये कहा, गुस्सा ना हुआ करें, आप कहा करें कि अल्लाह मेरे भाई को जजाए खैर दे, मुझसे जो नेकियां नहीं हो पा रही थी वो बेचारा करके मेरे हवाले कर रहा है। एक साहब कहने लगे कि मुफ्ती साहब बाज लोग इतने गुनाहगार होते हैं, उनके पास देने के लिए कोई नेकी नहीं होती, फिर क्या मिलेगा हमें उनकी बुराई से? नेकी है ही नहीं उनके पास बेचारों के पास में, फिर वो हमारी बुराई कर रहे हैं तो क्या होगा? इसका जवाब भी मेरे नबी ने दे दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ये कंडीशन है उनके पास नेकी नहीं है, तो फिर जिसकी बुराई हो रही है उसके गुनाह उस बुराई करने वाले पे डाल दिए जाते हैं। अल्लाह गुनाह ट्रांसफर कर देगा, गुनाह तो हमारे पास है ही, हर एक के पास है। तो इससे बढ़िया और क्या ऑफर हो सकता है हमारे लिए? इसलिए जर्रा बराबर इस दुनिया में परेशान ना हो।